नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर हार या जीत 5 राजनीतिक दलों के भविष्य को निर्धारित कर सकती है। पल पल के दर्शकों को हम बता रहे हैं कि वह 5 सीटें कौन सी है। सबसे पहली सीट है करनाल की। करनाल सीट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गृह क्षेत्र है। इस सीट पर बीजेपी की जीत उनका कद और बढ़ा सकती है। वहीं अगर कुछ उलट फेर होता है तो उनका कद घट भी सकता है। और दूसरी हॉट सीट है रोहतक की, जो हुड्डा परिवार की परंपरागत सीट है। इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते हैं, मगर इस बात इनके लिए कड़ी चुनौतियां हैं और हरियाणा में उन्हें सत्ता हथियाने की कोशिश में है कांग्रेस। अगर यह सीट कांग्रेस हार जाती है तो उन्हें भारी धक्का लगेगा। और वहीं अगर कांग्रेस जीत जाती है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख कांग्रेस के अंदर और बढ़ेगी। और तीसरी सीट है हिसार की। यह सीट हरियाणा की नई नवेली राजनीतिक पार्टी JJP के दुष्यंत चौटाला के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। दुष्यंत चौटाला इस सीट पर पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उनकी विधानसभा में संभावनाएं और कम हो जाएंगी। चौथी सीट है सिरसा की। इनेलो की गढ़ मानी जाती है। अगर इनेलो इस बार विभाजन के कारण खतरे में पड़ी हुई है, लेकिन अगर इस बार यह हार जाती है तो उसके लिए भविष्य में विधानसभा के लिए चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। वहीं पांचवी सीट है कुरुक्षेत्र, जो कि राजकुमार सैनी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी के बगावत कर के राजकुमार सैनी ने नई पार्टी LSP बनाई है तथा बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन के बावजूद अगर वह अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे तो उनकी भविष्य में संभावनाएं और कम हो जाएंगी। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।